नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेधा सर्वो ड्राइव्स की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। मेधा की तरफ से दोस्तों फिर से नई वैकेंसीज आई है जो कि यूनिट ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका टेक्नीशियन और इंजीनियर के लिए पोस्ट है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आईटीआई के लिए टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा, और जो डिप्लोमा पास आउट है उनके लिए इंजीनियर का पोस्ट आने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है वो आपका मेधा सर्वो ड्राइव्स की तरफ से जारी किया गया, और इससे पहले भी मेधा की बहुत सारे वैकेंसीज आई थी और अपने चैनल पे मैंने वीडियो भी बनाया था। और रिसेंटली अभी जो वैकेंसी 15 और 16 जुलाई को इंटरव्यू था आपका, तो उसके बाद फिर से उन्होंने एक वैकेंसी जारी किया गया जिसमें आईटी और डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पर देख सकते हो देयर इज एन ओपनिंग ऑफ वैकेंसीज फॉर टेक्नीशियन एंड इंजीनियर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें दो तरह की पोस्ट है, आपका टेक्नीशियन का रहने वाला है और इंजीनियर के, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई आपका टेक्नीशियन का पोस्ट रहेगा, और जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए इंजीनियर का पोस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रिटन टेस्ट एंड टेक्निकल इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 17 अगस्त 2024 एंड 18 अगस्त। जब भी इसके तरह से वैकेंसी आता है दोस्तों, दो दिन आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, मेधा की आप जितने भी आप प्रीवियस वैकेंसीज आप देखेंगे तो उसमें कम से कम दो दिन आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार भी दो दिन टाइम दिया है, आपका रिटर्न एग्जाम और टेक्निकल इंटरव्यू होता है जो कि 17 और 18 अगस्त है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट पहले अगर इंटरव्यू दिए होंगे तो उनको पता होगा सबसे पहले इसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में पास होता रिटर्न टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका जो है इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपको 10 या 15 दिन का टाइम लेता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल किया जाता है या फोन किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो इसका इस तरह से प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू जो होगा, रिटर्न टेस्ट आपका 17 अगस्त को होगा और टेक्निकल इंटरव्यू आपका 18 अगस्त को होगा। हो सकता है एक ही दिन में हो जाए, ये भी हो सकता है, कम कैंडिडेट रहेंगे तो एक ही दिन में दोनों भी हो सकता है, बट दो दिन इसका इंटरव्यू के लिए टाइमिंग यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू का टाइम जो इसका कैंप टाइमिंग जो है कैंपस इंटरव्यू का, वो आपका 10 बजे से है, यानी कि सुबह 10 बजे से इसका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बजे से पहले आपको वहां पर पहुंच जाना है। इंटरव्यू के लोकेशंस की बात करें तो देखिए इस बार जो लोकेशन दिया है वो आपका मुंबई होगा। ठीक है, उस प्रीवियस जो 15 और 16 जुलाई का हुआ था उसमें आपका शायद आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु था, आई थिंक मुझे बेंगलुरु लग रहा है। ठीक है, तो इस बार जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू लोकेशन दे सकते हो IMC बिल्डिंग, IMC मार्ग नियर चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में, ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है दोस्तों। इसी एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है 17 और 18 अगस्त को। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए वैकेंसीज है टेक्नीशियन और इंजीनियर के लिए, आईटीआई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, और आईटीआई फिटर से भी, इस बार फिटर को भी मौका दिया है। अधिकतर आईटीआई का जो ट्रेड रहता है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है बस, बट इस बार जो है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी जा सकते हैं और फिटर वाले भी जा सकते हैं। तो अपने आईटीआई इन तीन ट्रेड से किए तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर। आप अगर डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा के ओनली दो ही ब्रांच इसमें है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बाकी आईटीआई फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन तीनों ट्रेड के कैंडिडेट जा सकते हैं। जॉब लोकेशन इसमें देखिए मल्टीपल स्टेट वगैरह में होगा, यहाँ पर देखिए क्या कहाँ जॉब लोकेशन रहेगा। सबसे पहले आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और मुंबई है। तो इनमें से किसी भी जगह पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा, डिपेंड करेगा इनके रिक्वायरमेंट पर, जहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एज हालांकि बहुत कम रहता है इसमें, एज जो दिया दोस्तों मिनिमम 26 या इससे कम भी होना चाहिए। ठीक है, 26 है तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, 26 एंड बिलो दिया है यानी कि नीचे। और फॉर एनी क्वेरीज, आपको कोई डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर या एज को लेकर या किसी भी तरह से, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सारे कॉन्टैक्ट से नंबर है, आप इनको फ़ोन करके भी बात कर सकते हो इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग। और जितने भी वैकेंसीज दोस्तों मैंने बताया है और काफ़ी जगह पर इसका इंटरव्यू हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड भी हैं और अभी जॉब भी कर रहे हैं, तो आप अगर सारी इन कैटेगरी को फिलफिल करते हैं तो जाके ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल रहती है। और अब इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जॉब जो रहेगा दोस्तों इंडियन रेलवे में रहता है। इंडियन रेलवे में जितने भी सर्विसिंग वगैरह का काम, मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है, मेधाकी रहता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, वो 90% मतलब कि ज़्यादातर जो है रेलवे का मेंटेनेंस का काम जो है मेधा ही देखती है। प्लस अभी कि इनका जो है मैन्युफैक्चर यूनिट भी है जो कि वंदे भारत, बुलेट ट्रेन जैसे भी बहुत सारी ट्रेनें जो है यहाँ पर इन्होंने मैन्युफैक्चर करते हैं और रेलवे के बहुत सारे पार्ट्स जो है मेधा कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है। तो काफ़ी अच्छा आपको रेलवे के अगर जॉब वगैरह चाहिए तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।